वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। इसमें पुजारी समेत 14 लोग आग से झुलस गए। घायलों में 9 को इंदौर रेफर किया गया है, 3 को उज्जैन जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, वहीं 2 भर्ती हैं। हादसे के समय मंदिर में हजारों श्रद्धालु महाकाल के साथ होली मना रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के बेटे वैभव और बेटी आकांक्षा भी नंदी हॉल में मौजूद थे। घायल सेवक ने बताया कि आरती कर रहे पुजारी संजीव पर पीछे से किसी ने गुलाल डाला, गुलाल दीपक पर गिरा। अनुमान है कि गुलाल में कोई केमिकल ऐसा था जिससे आग भड़क गई। मैं सुबह भस्म आरती के समय, वैसे होली की परंपरा है शुरू से है, होली में रंग डलता, भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं, ये परंपरा थी। लेकिन भगवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची है, बड़ी एक तरह से, लेकिन ये अलार्मिंग काल है। मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए। जो जो घायल हुए, मैं उज्जैन में और इंदौर में दोनों जगह देख के जा रहा हूँ, इसकी मेडिकल जांच के भी आदेश दे दिए हैं, और जो घायल है उनको भी अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी, और प्रशासन के माध्यम से कोई राहत भी कराने की बात की है। अच्छी ढंग से कोई, हमने कहा कि कम से कम 1,00,000 रुपया इनको इस तरह से मदद की जाए, और दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे इसके प्रबंधन भी करेंगे।